हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर कभी कभी इत्तेफाक से जब ऐसी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से ये डिसाइड होना है कि आखिरकार जोड़ियां किसकी बनने वाली है और आखिरकार रिश्तों का फैसला कैसे होने वाला है। जहां पर दोस्तों सीरियल के अंदर, हर एक सीरियल के अंदर एक ना एक शख्स ऐसा मिल ही जाता है हमें, जिसका अगर जोर काम नहीं करता तो वो दया मांगने पर आ जाते हैं, यानी कि अपनी झोली फैला लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी नाक कट जाएगी, हम मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। एंड फाइनली इमोशनल होकर हमारे जो फेवरेट टीवी एक्टर होते हैं, लीड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो उनकी बात मान ही जाते हैं। अब कभी कभी इत्तेफाक से मैं दोस्तों यहां पर चारू दत्त ने अपने बेटे और अपने घर की बहू, यानी कि जिसे वो घर की लक्ष्मी मानते हैं, उनकी जिंदगी संवारने के लिए एक तीसरी लड़की यानी कि गुनगुन की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां तक कि वो उनसे गुजारिश कर रहे थे कि गुनगुन की लाइफ से दूर हो जाओ, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये सजेशन तक वो यहां पर देकर आ जाते हैं कि रणविजय से तुम शादी कर लो। अब यहां पर दोस्तों ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि यहां पर जिस घर का साइंटिस्ट किडनैप हुआ था, जिस घर का बेटा किडनैप हुआ था, उन्हें ये तक पुलिस वाले ना बताए कि साजिश में कौन शामिल था। वो रणविजय ही था जो कि गुनगुन के फ्रेंड लिस्ट में था और अनुभव के फ्रेंड जून में था। ऐसे में दोस्तों पूरी तरीके से एक बेवकूफी करते हुए चारू दत्त का किरदार सीरियल के अंदर नजर आता है, यानी कि दोस्तों बड़े पापा की जो इमेज थी सीरियल के अंदर वो पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी है। वेल दोस्तों यहाँ पर आने वाले एपिसोड के अंदर कहानी कुछ मिली जुली सी लग रही है, एंड ये स्टोरी मैं पहले किसी सीरियल में देख चुका हूँ, जहां पर पहले मिशन होता है और एक्ट्रेस हीरो को बचाती है या फिर हीरो हीरोइन को बचाता है और इसके बाद एक सम्मान समारोह होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सीन आपने कभी कभी इत्तेफाक से के अलावा स्टार प्लस के एक और सीरियल यानी कि गुम है किसी के प्यार में एक बार नहीं बल्कि तीन तीन चार चार बार देखा होगा, एंड सीरियल के प्रोडक्शन हाउस भी दोनों की एक है। तो यहां पर सम्मान समारोह गुनगुन का भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर ना चाहते हुए भी अनुभव और पूरा फैमिली यानी कि पूरा सरस्वती निवास जो है पहुंचने वाला है ऑडिटोरियम में और यहां पर गुनगुन के सम्मान समारोह में। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि आखिरकार उन दो लोगों ने तो जाने से मना कर दिया, यहां पर अनुभव तो एक बार फिर भी ठीक है कि गुनगुन के पीछे खींचा चला जाए, लेकिन घर के बाकी शख्स भला कब से जाने लग गए गुनगुन के पास। लेकिन दोस्तों आप सभी को यहां पर मैं बता देता हूं कि अनुभव जाएगा तो आकृति उसके पीछे पीछे तो 100% जाने वाली है, एंड आकृति जाएगी तो यहां पर चारू दत्त तो आकृति के पीछे पीछे जाने ही वाले हैं, और चारू दत्त जाएंगे तो घर के और भी तीन शख्स जो हैं, गोलू चाचा और अनुभव के बड़े भैया और उसकी जो सिस्टर है उनके पति जो है वो भी यहां पर जरूर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक बार कहें कि पूरी की पूरी टोली यहां पर पहुंचने वाली है इस सम्मान समारोह में, और यहां पर जाकर बड़ा बवाल वो लोग खड़ा करने वाले हैं, तो एक बहुत ही गलत नहीं होने वाला है। एंड यहां पर जाकर दोस्तों गुनगुन को देखकर अनुभव जो है अपने आप पे कंट्रोल खो देने वाला है, एंड फाइनली यहां पर दोस्तों इनडायरेक्टली दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने वाली है। एंड जिस साइंटिस्ट को बचाने के लिए पूरा समारोह लगा गया है और वो खुद वहां पर जब पहुंचने वाला है तो यहाँ पर उसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है, इसमें भी कोई दोराई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीडिया भी होने वाली है, पुलिस फोर्स भी होने वाली है, और हर जगह पर सभी के मुंह पर एक ही सवाल होने वाला है कि आखिरकार गुनगुन आपका पति कौन है और आखिरकार अनुभव से आपका रिश्ता क्या है। और अनुभव से जो सवाल होने वाला है वो ये है कि आखिरकार आपकी पत्नी है कौन, क्योंकि एक बार पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इवेंट के दौरान जो है अनुभव इसी चीज को लेकर फंस जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी कौन है। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर कहें तो कहानी घूम फिर कर उस ऑडिटोरियम और उस सवाल पर आकर रुक गई है जहां पर अनुभव को डिसाइड करना है कि किसे अपनी पत्नी का दर्जा देना है और आखिरकार किससे वो मीडिया और पूरे समाज के सामने एक अननोन पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी घोषित कर देने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अनुभव फिलहाल गुनगुन से काफी ज्यादा दूर है, काफी नाराज है, क्योंकि गुनगुन ने ऐसा पेटेंट किया है यहाँ पर कि वो रणविजय से शादी कर रही है और उससे शादी करना चाहती है और अनुभव से पीछे छुड़ाना चाहती है, और ऐसे में दोस्तों अनुभव की नाराजगी भी काफी ज्यादा है। लेकिन देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फिलहाल सीरियल के अंदर ये हो गया है कि ये नाराजगी पूरे समाज, मीडिया, पुलिस फोर्स के सामने भी बनी रहती है, या फिर यहां पर अनुभव डिक्लेयर कर देता है सभी के सामने कि उसकी पत्नी सिर्फ एक है और वो कोई और नहीं बल्कि गुनगुन ही है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या करेगा हमारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर यहां पर, अपने गुस्से पर काबू कर असल में अपना फायदा देखेगा या फिर अपने गुस्से के कारण वो अपना सब कुछ खो देने वाला है?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अनुभव के किरदार के साथ, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने अभी उसका डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।